मेरी तानाशाही जैसा कि आपको जानकारी है पूरे उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। भ्रष्ट सांप्रदायिक नीतियों के चलते पूरे देश में जो अफरा तफरी का माहौल है, जो अराजकता का माहौल है, और उसी को चलते हुए सोनभद्र में 9 किसानों की हत्या कर दी गई। उसको देखने के लिए, उनके दुख और दर्द को बांटने के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रभारी महासचिव उत्तर प्रदेश प्रियंका गांधी जी वहाँ जा रही थी, और रास्ते में जनविरोधी नीतियों को के चलते हुए योगी जी की सरकार ने उनकी गिरफ्तारी की है, ताकि जनता की आवाज़ को दबाया जा सके, इस लोकतंत्र को कुचला जा सके। हम ये कहना चाहते हैं कि विपक्ष की आवाज़ को कुचलने का काम योगी सरकार कर रही है लगातार। आज 9 हत्याएं हो चुकी हैं, कल पुलिस वालों की हत्याएं की गई हैं बदमाशों द्वारा, लेकिन योगी सरकार, मोदी सरकार मौन साधे बैठी है। इस मौन के पीछे हम कारण जानना चाहते हैं, आखिर ये लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं या लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। अगर लोकतंत्र पर एक भी कुठाराघात योगी सरकार और मोदी सरकार द्वारा किया जाएगा, तो पूरी कांग्रेस योगी और मोदी के खिलाफ सड़कों पर उतर के आंदोलन करेगी। आज जिस तरह प्रियंका गांधी ने वहाँ दुख दर्द बांटने के लिए गई थी, उनको नाजायज तरीके से, गलत तरीके से, अवैध तरीके से उनकी गिरफ्तारी हुई है, उसका हम लोग विरोध करते हैं। और निश्चित तौर से अगर योगी सरकार ने माफ़ी नहीं मांगी, तो हम कल से फिर दोबारा प्रदर्शन करेंगे, सड़क जाम करेंगे, चक्का जाम करेंगे। ये हम चेतावनी देना चाहते हैं। NG News से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।